अगर सेकंड इश्यू सर, हमारे यहाँ बाईपास अल सिताब से डोनी पावा तक एक बाईपास बन गया है, लेकिन इस बाईपास का इश्यू यह है कि उसको लॉक कर दिया गया है। नहीं वहां से फार्मर को, किसी फार्मर को परमिशन है कि आप अपनी जमीन पे जाए, ना ही किसी दुकानदार को, ना ही किसी मकान वाले को, हाउस होल्डर को। अब जब हाईवे बन गया, वो तो हमारे लिए बन गया, पब्लिक वेलफेयर के लिए बन गया, लेकिन मसला क्या है, वहां के जो फार्मर है, फार्मर को भी परमिशन नहीं है, वहां लॉक कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जाते हैं, वो बोलते हैं आप जाइए यूनियन मिनिस्टर को बोलिए। अब पूरा हैमलेट वहां से परेशान हो गया, लोग परेशान है, परमिशन नहीं है, हाउस का बनाने का परमिशन नहीं है। अब जाए तो जाए कहां, वो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन कोई एसेसिबिलिटी हाईवे से उस एरिया में नहीं मिलती है। ये जालगांव एरिया है सर, वो बहुत ही बड़ा कंसर्न है, उसको आप जरूर इंशाल्लाह रहमत सोल्यूशन यहां निकालोगे, मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं सर। सर उसके अलावा साउथ कश्मीर सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अगर आप देखिए यहां रिलीजियस टूरिस्ट भी आता है, नॉर्मल टूरिस्ट भी आता है। सर अगर हमें पहलगाम को बचाना है, कोकरनाग को बचाना है, सर मैंने इससे पहले भी चीफ सेक्रेटरी साहब को ये एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम दिया था कि वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए जाए पहलगाम में, चाहे कि इको फ्रेंडली एनवायरमेंट वहां बाइसाइकिल और वहां एटीवी बाइकल जो लास्ट में आपने इनॉग्रेट किए, मैं डीसी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं इस मामले में, वो हो गया, सीओ साहब है वहां पे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप लॉन्च करिए, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमारा इको फ्रेंडली एनवायरमेंट वहां बच पाएगा। अगर पहलगाम को ओरिजिनल ब्रांड बनाना है तो हमें इकोलॉजी को देखना है, प्रिजर्व करना है, वहां इलेक्ट्रिक बाइक का निर्माण होना चाहिए।